कमिंग सर। इस बार क्या बहाना है सर? वो दादाजी का तबीयत खराब था तो सर? ये बहाना मार रहा है सर। सर ये बहाना मार रहा है। इसे क्या बहाना मार क्या है? इसको पीटिए सर, ये बहाना मार रहा है। चलो मुर्गा बन जाओ। सर कमर में दर्द है सर, नहीं झुक पाएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप मुर्गा बन जाओ, समझा? लो जी जल्दी जल्दी लिखो। तेनी मार चली खींच के तमाचा ही हाँ। ये मोबाइल है सर, मोबाइल। लो जी खड़ा हो जाओ, मोबाइल लेकर के आया है तुम। तेनी मार चली खींच के तमाचा ही हाँ। तेनी मार चली खींच के तमाचा ही हाँ। के तमाचा ही हाँ। सर ये देखिए, ये रहा मोबाइल। लोगों को फंसा रहा है सर, ये मोबाइल मेरा नहीं है। जल्दी से बाहर निकल जाओ। सॉरी सर, सॉरी सर। तो आज हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे? आप बोले थे टेस्ट। सर काम नहीं कर रहा है, मैं रुक जाओ दूसरा लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? यह पीरियड मैं लूंगा। लेकिन सर ये पीरियड तो खाली था। ये अन्याय है सर। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। बताओ मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए, जिसमें से 2 लड्डू तुमने गो कि तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? सर आपने तो मुझे लड्डू दिए ही नहीं। मान लो ना, मानने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? सर 20 लड्डू बचे। कैसे? सर मान लीजिए ना, मानने में आपका बाप का क्या जाता है? चलो बच्चों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। तो ठीक है, इसको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सर एक सवाल पूछें? आप पूछो। ब्रश करने के बाद सर नाश्ता करके बाजार तरफ चल गए। बाजार तरफ जाने के बाद कुछ देर फिर रुके, घूमे इधर उधर, फिर नाश्ता किए। फिर नाश्ता करने के बाद सर मैं जा रहा था, रास्ते में तो मुझको गोपी मिल गया। गोपी मिलने के बाद हम दोनों बैठ के बातें करने लगे, तभी एक चिड़िया को देखे और चिड़िया वहाँ से उड़ करके चली गई। तो हम मैं और गोपी भी चलने लगा घर तरफ, और जाते जाते गोपी भी अपना घर चल गया और मैं भी अपना घर चलाया। तो सर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दिशाओं में तेज सा वो छा।